News 18, India. बिहार में खेला हो गया। जी हाँ, बिहार में जुगाड़ का खेल इस वक्त चल रहा है। खबर यही है कि आरजेडी ने इस वक्त जीतन राम मांझी को ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक ऑफर ये दिया गया है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुवन को उप मुख्यमंत्री बना देंगे। एचईएम के पास इस वक्त 4 विधायक हैं। और देखिए, इसके अलावा एआईएमआईएम के एक विधायक का समर्थन भी आरजेडी ने मांग लिया है। हालांकि गणित यह कहता है कि अगर मांझी का समर्थन मिल भी जाता है तब भी आरजेडी को बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए 2 और विधायकों की जरूरत होगी। वही खबर तो ये भी है कि जीतन राम मांझी को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने नित्यानंद राय को जिम्मेदारी दी है, जो कल मांझी से मुलाकात कर सकते हैं। तो जो इस वक्त बिहार में हो रहा है, इसकी आहट दिल्ली तक महसूस हो रही है। और आपको बताएं कि आरजेडी ने एचईएम को ऑफर दे दिया है, जीतन राम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया है आरजेडी ने। तो हार कोई भी मानने को तैयार नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जुगत में लगा हुआ है। अभी भी कैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी बनी रहे चुनावों के अंदर, ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जीतन राम मांझी को ऑफर देना तो यही कहलाता है, जसप्रीत। बिल्कुल, चंद्रमोहन, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, ये जो पल पल इस वक्त तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी का ये ऑफर एचईएम को, लेकिन अभी भी बहुमत से 2 सीटें आरजेडी दूर है। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार के एक एक कदम पर आरजेडी की नज़र है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार के हर कदम पर नज़र खुद लालू प्रसाद यादव रख रहे हैं और उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है। अभी उन्होंने कई विधायकों को अपने फ़ोन किया और साथ ही कांग्रेस के विधायकों से भी बात कर रहे हैं, और अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्होंने लेफ्ट के जरिए जीतन राम मांझी को यह ऑफर भेजा है कि उनके बेटे को वो डिप्टी सीएम बना देंगे और साथ ही जो उनके विधायक हैं चारों उनके साथ सरकार में आ जाए। तो एक तरफ नीतीश कुमार अपनी नई गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने मोर्चा संभाला है और पल पल की जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार विधायकों के भी संपर्क में हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में कैसे बने रहें, इसके भी जुगाड़ में लालू यादव लग चुके हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, देखिए आपको जानकारी दे रहे हैं, और अब तक 4 से 5 बार जो है आप देख चुके हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से पलटी मार चुके हैं। चंद्रमोहन लगातार बने हुए। चंद्रमोहन, इस पूरे घटनाक्रम में हम देख रहे हैं कि परेशान आरजेडी का तो स्वाभाविक था ही कि वो होगी, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा, जिसको आपने बनाया संयोजक, जो आगे लेकर जा रहा था आपके पूरे गठबंधन को, वही पलटी मार गया। बिल्कुल, देखिए, पहली बैठक पटना में हुई थी जिसमें तमाम जो मोदी विरोधी चेहरे हैं, पार्टियां हैं, उसको नीतीश कुमार यहां पर इसी मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर और बैठक किए थे, और उसके बाद ये कहा गया था कि अब ये महागठबंधन थर्ड फ्रंट नहीं होकर ये पहला फ्रंट होगा और अब नीतीश कुमार खुद ही अपना पाला बदलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो इंडी गठबंधन है उसका आगे क्या हस्त्र होने वाला है। ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं, जो पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी है वो अलग हो चुकी है, और अब नीतीश कुमार खुद साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि इंडी गठबंधन का हस्त्र आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन जो बिहार में पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं, इस पर दोनों दल, खास तौर पर जेडीयू और दूसरी तरफ आरजेडी, अपनी अपनी नजर बनाई हुई है। और एक बिल्कुल चंद्रमोहन, लौटते हैं आपके पास, लेकिन ये जो तस्वीरें मिल रही है वो भी जरा दर्शकों को हम दिखा देते हैं। कैसे तेजस्वी यादव की जो गाड़ी है वो भागती चली जा रही है, राबड़ी देवी के घर के अंदर प्रवेश, और गाड़ी की रफ्तार से आप समझ जाइए कि दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई है, घबराहट भी इस वक्त दिखाई दे रही है। सरकार बची रहे ये जुगत भी दिखाई दे रही है, गद्दी चली ना जाए ये भी समझ में आ रहा है, और इसीलिए ये दौड़ती हुई गाड़ी है। देखिए तेजस्वी यादव की कैसे राबड़ी देवी के आवास के भीतर इस वक्त घुसती दिखाई दे रही है। अमित पांडे इस वक्त जुड़े हुए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अमित, जरा एक चीज ये भी समझाइए, इतना वक्त लग क्यों रहा है? अगर नीतीश और बीजेपी के बीच में सब कुछ बात हो गई है, ऐसी स्थिति में तो रातों रात सरकार बन जाती है, रातों रात शपथ ग्रहण हो जाता है, फिर इतना वक्त क्यों? देखिए, राजनीति में जो संकेत है वो भी बहुत कुछ बोलते हैं और तस्वीरें भी बहुत कुछ बोलती हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं विनोद तावड़े के यहाँ से, वो बीजेपी बिहार के प्रभारी हैं और इनके यहाँ पर लगातार मांझी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। संतोष जी, आप ही से समझ लेते हैं आगे क्या घटनाक्रम होने वाला है। जीतन राम मांझी सबसे पहले थे 19 तारीख को, जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि देखिए मैं अपने विधायकों को पटना बुला रहा हूं, और अब वही सबसे पहली भविष्यवाणी कर रहे थे खेला होगा।
देखिए खेला हुआ होगा क्या होगा ये तो भविष्य में है, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि जो भी घटनाक्रम पर है उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं, और जो मार्केट में इस तरह की बातें चल रही है, हम एक लाइन में आपको आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हैं, और एनडीए का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन में हम लोग हैं। बाकी इस तरह की बातें जो आ रही है जा रही है, ना हम लोग से कोई संपर्क किया है ना कोई बात किया है, अभी तक हमको कोई जानकारी भी नहीं है क्या घटनाक्रम है, लेकिन हम जहां रहते हैं पूरे मुस्तैदी के साथ रहते हैं और उसमें हम लोग कहीं नहीं, हमारे चार ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको जानकारी नहीं है या फिर आप मीडिया में नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आरजेडी ने जो ऑफर आपको दिया है डिप्टी सीएम का, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमको कोई ऑफर ऐसा नहीं आया, इस पर क्या प्रतिक्रिया, जब मेरे पास ऐसा कोई ऑफर ही नहीं आया तो इसकी प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं। लेकिन आरजेडी के साथ जाने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? भविष्य में ऑफर मिलता है तो आरजेडी के पास जा सकते हैं? नहीं, देखिए एक विचारधारा की लड़ाई होती है और हम लोग की विचारधारा आरजेडी से राष्ट्रीय जनता दल से नहीं मिलती है, और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उधर जाएंगे। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं और हर तरीके से खुश हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर जाना पड़ा किसी के साथ तो आरजेडी के साथ किसी भी स्थिति में नहीं जाएंगे ये तय हम मान ले, किसके साथ फिर जाना जा सकते हैं? नहीं है, क्योंकि राजनीति तो संभावनाओं जी संभावनाओं का खेल है। एनडीए के साथ हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन कुछ उसूल भी होता है। तो हम एनडीए के साथ हैं, जिनके साथ हम हैं उनके साथ रहेंगे, ये कहीं एनडीए जहाँ जा रही है उनके साथ हम हैं। कोई ऑफर मिल रहा है डेप्यूटी सीएम की खबर आ रही है, हमको एक और ऑफर डेप्यूटी सीएम, दो डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं अगर एनडीए के साथ सरकार बन रही है तो नीतीश कुमार की, कुछ है ऐसा? ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, आप ही लोग के माध्यम से इस तरह की खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, विधिवत कोई खबर हम लोग के पास नहीं है कि क्या माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए में आ गए हैं कि नहीं आए हैं, इसकी भी खबर नहीं है। जब भी ऐसी होगी तो हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग बताएंगे, और हम लोग लेकिन एक बात स्पष्ट करते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, इसमें कहीं पर कोई माती नहीं है। कोई इस तरह का भ्रम फैला करके हम लोग को अथी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों से हम लोग को और आप लोग को भी सावधान रहना चाहिए कि एक लाइन में हम कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये बयान संतोष जी हो जाता है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि परिस्थिति कोई भी हो, ऑफर कोई भी हो, आरजेडी के साथ हम नहीं जाएंगे, स्थिति इसी के साथ ये भी स्पष्ट हो जाती है कि फिर तेजस्वी यादव की सरकार तो गई, उनके हाथ में तो फिर कुछ नहीं बचा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप ही लोग रहने वाले हैं संतोष जी ऐसी स्थिति में। उनकी बात हो जाने, आपको मैं याद दिलाता हूँ जब एक गठन हुआ था विधानसभा का, उस समय भी हम लोग पास ऐसे ऑफरे आई थी, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए थे, हम जहाँ हैं वहाँ रहते हैं, बाकी कोई बात की हम लोग को जानकारी नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे संतोष सुमन मांझी जो कह रहे हैं कि आरजेडी ने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, भले ही राजनीति संभावनाओं का खेल है लेकिन हम एनडीए के साथ थे हैं और रहेंगे, क्योंकि